अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डोगर हाजिर है द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड रशिया के शहर कैपिटल मॉस्को से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके रशिया। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर जरूर करना है और कमेंट जरूर करना है। आज मैं आपको बताने लगा हूँ रशिया में स्केटिंग कैसे की जाती है और इसका तरीका कैसे सीखा जाता है। ये देखिए स्टार्ट में आप ऐसे ऐसे आराम से आएंगे, इनके तो बच्चे भी है, इनके बच्चे भी गिरते हैं उड़ते हैं, ये तो बचपन से सीखते हैं। और मेरे ख्याल में जब से रशिया रह रहा हूँ ये तीसरा टाइम है, तीसरी बार आया हूँ ये सीखने। तो अभी तो ऐसे ऐसे चल रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी बहुत आ गई है। ठीक है, अगर आप रशिया हैं तो स्केटिंग आपने जरूर करनी है। ठीक है, अगर आपने ये नहीं की तो फिर आपने कुछ नहीं किया। मेरा दोस्त आया था मनोज शहबाज फ्रॉम फैसलाबाद, बड़ी कोशिश की लेकिन वो काबू नहीं आया। मैं कह रहा उसे गिटे गटे उसके गिटे गुटे ठोकते तो पता चलना रशिया आया। ठीक है, ये रशिया मॉस्को के हर इलाके के अंदर बनाई हुई है उन्होंने। कोई पे करने वाले पैसों वाले भी है, कोई फ्री भी है। अगर ये तो शूज आपके अपने हैं तो फिर तो आप फ्री कर सकते हैं, नहीं तो रेंट पे भी शूज मिलते हैं, रेंट पे भी लेके आप कर सकते हैं। ओहो 600 रुपये टिकट है, 600 रुपये पाकिस्तानी 1800-2000 टिकट। ठीक है जी, अच्छा दोस्तों एक और बात याद रखें, मुझे बहुत लोग दोस्त मैसेज करते हैं स्टूडेंट वीजा के बारे में। स्टूडेंट जो है ना, आपने पहले फीस किसी को नहीं देनी, पहले किसी को फीस नहीं आपने देनी। जब आप रशिया में आ जाए आपका मेडिकल हो उसके बाद आपने फीस पे करनी है। यूनिवर्सिटी आपकी फीस लेती है जब आप यहाँ आ जाते हैं, रशिया में पहुंच जाते हैं, वहां से आपका वीजा निकलता है 1 माह का या 2 माह का। ठीक है ना, यहाँ आके मेडिकल करते हैं, फीस जमा करते हैं, फिर आपका वीजा आके ना एक्सटेंड होता है। अभी बहुत लोगों का वीजा जो है ना 6 माह का एक्सटेंड हो रहा है, आपके साथ जेंट धोखा कर रही है। आपको बोलते हैं साल का वीजा, जब आप जहाँ पहुंच जाते हैं फिर आपको बोलते हैं कि 6 माह का वीजा एक्सटेंड होगा। इसलिए प्लीज बी केयरफुल, ठीक है, टोपी बाजू और धोखे बाजू से होशियार रहना है। ठीक है ना, और अभी तक जो ना बहुत मुश्किल, अभी मुश्किल हो गई दोबारा पाकिस्तान के वीजे के लिए। अभी फिलहाल ने जो वीजा ना सख्ती कर दी है, फिलहाल स्टॉप हो गया है, तो इंशाल्लाह मेरा जल्दी पाकिस्तान का वीजा दोबारा खुल जाएंगे। ठीक है, बस दोस्तों ये याद रखें कि अगर आपको कोई बोलता मैं वर्क वीजा दे रहा हूँ और वहाँ आके आप कितनी सैलरी दूंगा तो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है ना, पहले मैं पूछा काम किसका वीजा हो, किस काम का वीजा है, किस चीज का वर्क वीजा हो, क्योंकि यहाँ आपको जबान नहीं आती किस कौन सी कंपनी आपको वीजा देगी। ठीक है, इसलिए मेरे भाई बी केयरफुल, धोखेबाजों से हमें बच के रहना है। अगर आपने स्टडी वीजे पे आना है या फिर बिजनेस वीजे पे, तो फिर आपने चोरी छुपे काम करना है, कोई भी करना है, लेकिन जब तक जबान नहीं आएगी आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें, वहां मुझे मैसेज करें। यहां इंस्टाग्राम चलता नहीं है लेकिन कभी कभी मैं वीपीएन लगा के आप लोगों के जवाब मैसेज के जरूर दिया करूंगा और देता भी हूं। तो प्लीज अपने चैनल पीके रशिया को सब्सक्राइब करें, जो आपको सबल बागनी दिखाता डॉगर। ठीक है, और जो एजेंटों से आपको होशियार रखता है, टोपी बाजों से आपको होशियार रखता है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और रशिया में आए तो स्केटिंग करने का तरीका जरूर देखें और सीखें, स्केटिंग करने का तरीका जरूर एक बार ट्राई करें और सीखें। ठीक है, अभी देखें मैं कैसे स्केटिंग करता हूँ, कैसे सीखें मैंने, ये देखें जरा। ये आपको लग यही है बड़ा आसान है, लेकिन मैं बहुत बार गिर चुका हूँ, पिछले से पिछले साल मैंने हाजत नहीं कर लिया था अपना। ये इतना आसान नहीं है जितना आप वीडियो में देख रहे हैं, इतना आसान नहीं है। ये जो मेरा कैमरा है वीडियो बना रहा है ना, वो तो मास्टर है, वो तो मास्टर है। तो बहुत ही जल्द डोगर आपके साथ दोबारा जो ना नया ब्लॉग शेयर करेगा। प्लीज हर ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो तक डॉगर को दें इजाजत, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज।
गिरने लगा था भाई इसको पकड़ लिया एक तो, ये जो कैमरा हिल रहा ना ये मेरे पौन ही खड़े हो रहे इनको तो बच्चे बच्चे भाई गिरते भी हैं संभलते भी हैं।